गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर स्टडिंग इन एमजीज प्रीमियम लॉ एकेडमी. वी आर स्टडिंग स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस. इन स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस फर्स्ट वी हैड स्टडीड द एनालिटिकल स्कूल वी आर स्टडिंग एंड इन एनालिटिकल स्कूल we had first studied Austin's positive school. In second lecture, we had studied the views of Holland and why he has defined jurisprudence as a formal science, and he rejected the theory of Austin's, where Austin says that Austin's divided jurisprudence into journal and particular jurisprudence. But he was criticized for this purpose by Professor Dice, and Buckland also criticized him. Now in this lecture we are about to study views and theories and understanding of Sir John Salmond. ये भी एक बहुत विख्यात ज्यूरिसप्रूडेंस के प्रोफेसर हुए हैं. पहले की तरह हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके बारे में. जब तक इनके बारे में नहीं समझा जाएगा तो इनके विचारों के बारे में नहीं समझा जाएगा. इनका जन्म 1862 में हुआ और इनका 1924 तक इनका जो है दौर रहा, 1862 से लेकर 1924 तक का दौर रहा. ये भी उसी जमाने में रहे, ऑस्टिन वाले दौर में. आगे पीछे समय है. एक मैंने आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में चार्ट बना के दिया था जिसमें मैंने इनके टाइम डिफरेंस को दिखाया था कि इनके बीच में कितना कितना टाइम डिफरेंस रहा है. वो टाइम डिफरेंस जो है मैं देखें आपको दिखाता हूं. इफ यू गाइज गॉट इट, या आई हैड दिस इन माय नोटबुक. सी दिस, ये जो है इसके अंदर दिया हुआ है कि टाइम डिफरेंस जो है जॉन बेंथम का है, जॉन ऑस्टिन का है, एरिक्सन हॉलैंड का है, जॉन सेलमंड का है, और ये इनका पीरियड भी रहा है. इनके बीच में जो है 42 साल, 45 साल, 27 साल, 45 साल, 26 साल, 19 साल. ये टाइम डिफरेंसेस जो है इनके जो है वो वक्त के साथ साथ रहे हैं, और इन टाइम डिफरेंसेस की वजह से जो इनके व्यूज जो है, जो इनके विचार हैं, वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए और इनके विचारों में भी फर्क आता चला गया. और इन्होंने एक दूसरे की थ्योरीज को माना भी है और इन्होंने एक दूसरे की थ्योरीज को क्रिटिसाइज भी किया है, उसको रिजेक्ट भी किया है. बहरहाल, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड ऑन 3 दिसंबर 1862. अभी आज 6 तारीख है, तीन दिन पहले इनका जन्मदिन था. He was a legal scholar and published public servant and judge in New Zealand. उन्होंने तीनों काम किए हैं. He was a scholar also, he was a professor and he was judge also. Salmond graduated from University of Otago in 1882. After that he migrated to New Zealand. And in 1887 come to London, went to London to study law. Maha gaye and again he came back to New Zealand. He was appointed director and solicitor of Supreme Court. आप देखें इन लोगों की मेहनत, देखें इन लोगों की स्टडी, देखें कि कितनी गंभीर इन्होंने कितनी गंभीरता से इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, और जब ये सब चीजें हम तक पहुंच रही हैं या हम आप तक पहुंचा रहे हैं. In 1889 joined as a professor of law in Adelaide, Australia. Australia में चले गए और वहां पर Adelaide में इन्होंने join किया. In 1906 returned back to New Zealand as a chair professor of founding chair professor of law in University of Victoria. Victoria University में ये वापस आ गए. Then he became the judge of Supreme Court. Supreme Court के judge बने. तो ये लाइक लगातार उनकी स्टडीज का नतीजा था, उनकी एक्सपीरियंसेस थे, उनकी जो मेहनतें थी वो रंग ला रही थी कि उनको हर नित नए दिन एक नया पायदान जो है चढ़ने के लिए मिल रहा था. इन्होंने अपना काम भी बहुत ज्यादा किया है.
1924 में इनकी डेथ हो गई, और इन्होंने बहुत तीन बहुत पायदार किताबें जो है लिखी हैं ज्यूरिसप्रूडेंस की, जिसके ज्यूरिसप्रूडेंस के ऊपर सारा लॉ डिपेंड करता है, उसी के ऊपर देखें। ही द फर्स्ट वन वाज ज्यूरिसप्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, इनकी पहली किताब थी ज्यूरिसप्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। दूसरी किताब इन्होंने लिखी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे, तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की इन्होंने बुक लिखी थी। एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो ये जो किताबें हैं ये लिखी हुई थी सेलमन की थी, और इन्होंने अपना खून जिगर जिसे कहते हैं वो दे के ज्यूरिसप्रूडेंस की और विधि की जो है खिदमत की है। सेलमन डिफाइंड ज्यूरिसप्रूडेंस पर्टिकुलर पॉजिटिव लीगल सिस्टम, उन्होंने कहा जो वही बात आ रही है जो ऑस्टिन ने कहा, हर जगह पर पॉजिटिव लीगल सिस्टम की बात आ रही है जो कि स्टेट द्वारा इम्पोज किया जाता है, एक पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा इम्पोज किया जाता है टू अ पॉलिटिकली इन्फीरियर के लिए होता है, जहां पर एक कहना चाहिए बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा एक पढ़े लिखे समाज के ऊपर इम्पोज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम ज्यूरिसप्रूडेंस इज साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहीं आ भी सकता है अगर आप याद रखें, जो लोग अगर इस लेक्चर को सुने और वो आप स्टडी करें कि द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ क्या है, तो दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ इज लॉ ऑफ स्टेट। सिविल लॉ का पहला सिद्धांत जो है वो है लॉ ऑफ स्टेट, ये जो है सेलमन ने कहा था। फॉर वॉट पर्पज, ये लॉ ऑफ स्टेट क्यों है, ये सेलमन ने जो ये बात कही कि ये लॉ ऑफ स्टेट है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। द रीजन बिहाइंड दैट ही सेज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज द लॉ ऑफ स्टेट, व्हाई, बिकॉज टू एडमिनिस्टर कोर्ट्स एंड स्टैट्यू कस्टम्स एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ही एग्रीड विद द ऑस्टिन दैट ज्यूरिसप्रूडेंस इज अ साइंस which involves systematic study of essential principles of legal system। इन्होंने यहाँ पे जो है ऑस्टिन को सपोर्ट किया और इन्होंने कहा कि ये जो है ज्यूरिसप्रूडेंस इज अ साइंस, साइंस क्यों है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल सिस्टम। दोस्तों ये आज हमने बात करी है सर जॉन सेलमन की और उनके वर्क की, जिसके अंदर उन्होंने ज्यूरिसप्रूडेंस की तीन किताबों जो है वो हमने बताई है, ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ एंड लीगल थ्योरी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उनका जो उन्होंने इसको डिफाइन किया है कि पर्टिकुलर पॉजिटिव लीगल सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, और वो सिविल लॉ का प्रिंसिपल जो है दैट इज लॉ ऑफ स्टेट, और वो क्यों है, वो इसलिए है ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट्स जो है वो किया जा सके, स्टैच्यू का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, कस्टम्स का एंड ज्यूडिशियल प्रेसिडेंट्स का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। तो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी क्लास ऑफ एमजीस प्रीमियम लॉ एकेडमी, यू आर लर्निंग वेल। एंड दोस्तों मैं शिकायत करता नहीं हूं लेकिन करनी पड़ती है कि जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं लेकिन वैसा रिस्पांस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन वैसे नहीं है जैसे हम चाहते हैं, आप लोगों के लाइक्स बढ़ रहे हैं, आप लोगों की शेयरिंग वैसे नहीं है। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक दिस चैनल एंड सपोर्ट अस टू ग्रो। थैंक यू।